कुछ समय पहले की बात है, बेलापुर गांव में मुन्नी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसका कोई नहीं था, वो एक छोटे से मकान में अकेली रहती थी। मुन्नी की एक छोटी सी केक की दुकान थी। केक वाली, केक ले लो, एक से बढ़कर एक केक ले लो। उस दिन मुन्नी का एक भी केक नहीं बिका, तो बिना पैसे मुन्नी खाना कहां से लाती, तो ऐसे में वो भूखी ही सो गई। अगले दिन मुन्नी फिर अपनी दुकान पे जाती है। वहां पे एक बच्चा अपनी माँ से केक खाने की जिद करता है। अरे तेरे केक तो एकदम बेकार है, खाने के लायक तो है ही नहीं। वो औरत ये कहकर वहां से चली गई। उस दिन भी मुन्नी का एक भी केक नहीं बिका, तो मुन्नी फिर से दुखी होकर रोने लगी। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आज भी मेरा एक भी केक नहीं बिका। उसकी दुकान के पास एक चुड़ैल मुन्नी की ये सारी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद मुन्नी अपने घर के लिए निकल पड़ती है। मुन्नी के पीछे पीछे चुड़ैल भी चल देती है। मुन्नी रात को भूखी ही सो जाती है। उसको ऐसे देख चुड़ैल कहती है, अरे ये बेचारी लड़की तो भूखे पेट ही सो गई, चलो इसके लिए मैं कुछ करती हूँ। तभी चुड़ैल मुन्नी के पास एक बड़ा सा केक रख देती है। वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखाई देता है, जैसे उसके जैसा केक कभी भी बना ही ना हो। सुबह उठ के मुन्नी अपनी दुकान के लिए जब निकलती है, तो देखती है कि उसके पास एक बड़ा सा केक रखा है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे कितना बड़ा केक और कितना सुंदर, चलो इसे अपनी दुकान में बेचती हूँ, शायद कोई खरीद ले इसे। मुन्नी सुबह सुबह अपनी दुकान से बड़ा केक रख देती है। एक आदमी को मुन्नी का वो बड़ा वाला केक दिखता है और वो कहता है, अरे इतना बड़ा केक, चलो इसको बच्चों के लिए खरीदता हूँ। वो आदमी उस केक को खरीद लेता है और मुन्नी बहुत ही खुश हो जाती है। उस रात मुन्नी भर पेट खाना खाती है और सो जाती है। रात को चुड़ैल फिर से आती है और बहुत सारे केक रख कर चली जाती है। मुन्नी सुबह उठकर देखकर खुश हो जाती है कि इतने सारे केक हैं। मुन्नी उन केक को भी बेच देती है। पूरे गांव में मुन्नी के उन केकों की चर्चा होती है। उसके बाद चुड़ैल हर रात मुन्नी के घर पर ही केक रख के आ जाती है और मुन्नी उनको ऐसे ही बेचती रहती है। लेकिन मुन्नी को कभी भी पता नहीं चला कि वो केक रात को कौन रखकर जाता है।